आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंडियन रेफरेंसेस के बारे में जो कि हैरी पॉटर की मूवीज या फिर बुक्स में हैं। ये सारे रेफरेंसेस जेके रोलिंग ने ही शेयर किया है और कुछ रेफरेंसेस तो बुक्स और मूवीज दोनों में हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको जादुई दुनिया से रिलेटेड बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो कि इंडिया से रिलेटेड है। तो सबसे पहला इंडियन रेफरेंस है सर्पेंट सॉर्सिया स्पेल यानी कि मंत्र। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में जब हैरी और ड्रेको ड्यूएलिंग करते हैं तब ड्रेको हैरी पर सर्पेंट सॉर्सिया स्पेल यानी कि मंत्र का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक सांप को समन करता है। इस मंत्र को साल 1987 में पहली बार इंडिया में बनाया गया था जिसके बाद ये स्पेल काफी फेमस हुआ और ये मंत्र वर्ल्ड वाइड यूज किया जाने लगा। पर इंडिया में जो जादूगर थे वो इस मंत्र का इस्तेमाल इलीगल तरीके से किया करते थे ताकि वो मगल से पैसे कमा सके। बहुत से जादूगर कई जगहों पर घूम कर इस मंत्र का इस्तेमाल करके मगल्स को जादू का खेल दिखाते थे और सांप समन करते थे जिससे वो पैसे कमाते थे। पर ये इंटरनेशनल स्टैट्यूट ऑफ सीक्रेसी कानून के तहत इलीगल था और हमने हैरी पॉटर की मूवीज में भी देखा ही है कि जादू का इस्तेमाल एक मगल के सामने करना अलाउड नहीं है क्योंकि इससे जादूगरों की छिपी हुई दुनिया सबके सामने आ सकती है। इसलिए जिन भी जादूगरों ने इस मंत्र का इस्तेमाल इस तरह मगल से पैसे कमाने के लिए किया उन्हें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक द्वारा पनिश किया गया। और इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया का भी खुद का जादू मंत्रालय है जैसे कि बाकी देशों का है। पर अब सवाल यहाँ ये आता है कि क्या इंडिया में भी कोई विजिटिंग स्कूल यानी कि जादू स्कूल है? तो इसका जवाब है नहीं। जेके रोलिंग ने अब तक ऐसे किसी भी स्कूल के बारे में नहीं बताया है जो कि इंडिया में है। हाँ, बट मूवीज और बुक्स में हमने दो कैरेक्टर्स ऐसे देखे हैं जो कि इंडियंस थे। पार्वती और पद्मा पाटिल का जिक्र हैरी पॉटर के हर बुक में कई जगहों पर है, पर मूवीज में हमने इन दोनों ही जुड़वा बहनों को साथ में गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में देखा। ये दोनों इंडियंस थे पर क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ ब्रिटेन में रहा करते थे इसलिए इन्हें हॉगवर्ट्स से लेटर आया था। वैसे तो मूवीज में दोनों ही बहनों को ग्रिफिंडोर में दिखाया गया है पर बुक्स में ऐसा नहीं था। बुक में दोनों ही बहनें अलग अलग हाउसेस में थी, पार्वती ग्रिफिंडोर में थी और वहीं पद्मा रेवनक्लॉ में थी। इन डिफरेंसेस के अलावा एक और मेजर डिफरेंस ये है कि मूवीज में दोनों ही बहनों को काफी एवरेज दिखाया गया है जबकि बुक्स में जेके रोलिंग ने क्लियरली बताया है कि पार्वती और पद्मा दोनों ही अपने ईयर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। इतना ही नहीं, मूवीज में तो इनके यूल बॉल के आउटफिट्स भी काफी ज्यादा बकवास थे। जरूरी नहीं है कि जुड़वा है तो दोनों ही अपने कपड़े मिक्स एंड मैच करके पहनेंगे। आई थिंक कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को इंडियंस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि इंडियंस किसी फंक्शन में कैसे कपड़े पहनते हैं, या तो फिर उन्हें इंडियंस पसंद ही नहीं होंगे। दोनों ही एक्ट्रेस दिखने में काफी अच्छे थे मगर इनके लुक्स के साथ जस्टिस बिल्कुल नहीं किया गया। इनके कपड़ों के साथ साथ इनके हेयर, ज्वेलरी और मेकअप सब कुछ बकवास था। मतलब आप खुद ही सोचो, एक हाथ में ऐसे कांच की चूड़िया कौन पहनता है। इनका पोर्ट्रेल बुक्स में काफी ज्यादा बेटर था। बुक में क्लियरली बताया गया है कि पार्वती ने पिंक और पद्मा ने टर्कोइज कलर की ड्रेस पहनी थी। उनके बाल गोल्ड के क्लिप से बंधे हुए थे और उन्होंने दोनों हाथों में गोल्ड के ब्रेसलेट्स पहने थे, पर मूवी में उन्हें सिर्फ एक ही हाथ में कांच की चूड़िया पहनने को मिली। अगला रेफरेंस है नगीनी। नाम से ही पता चलता है कि नगीनी मतलब कि नागिन इंडियन ओरिजिन का है, पर जेके रोलिंग का कहना था कि उन्होंने नगीनी नाम इंडोनेशियन माइथोलॉजी से लिया है। उनके मुताबिक नाग एक स्नेक जैसे दिखने वाले क्रिएचर होते हैं जो आधे इंसान और आधे सांप होते हैं और नाग वर्ड से इंस्पायर होके उन्होंने नगीनी नाम रखा क्योंकि वो एक फीमेल कैरेक्टर है। बट जेके रोलिंग को ये पता ही नहीं था कि नाग यानी कि नगीनी एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है और ऑथर अमिश त्रिपाठी ने जेके रोलिंग को करेक्ट करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि नाग माइथोलॉजी इंडोनेशिया का नहीं बल्कि इंडियन माइथोलॉजी का है और इंडिया से ये वर्ड इंडोनेशिया में फेमस तब हुआ जब बहुत से इंडियंस ने इंडोनेशिया में ट्रैवल किया। नाग दरअसल एक संस्कृत वर्ड है इसलिए नगीनी वर्ड भी इंडियन ओरिजिन का है। नेक्स्ट इंडियन रेफरेंस है फ्लाइंग कार्पेट्स। जिस तरह ब्रिटेन और कई देशों में उड़ने के लिए जादुई झाड़ू का इस्तेमाल होता है उसी तरह इंडिया में फ्लाइंग कार्पेट्स यानी कि उड़ने वाले कालीन का इस्तेमाल होता है। इंडिया में हर जगह ब्रूमस्टिक्स का तो यूज नहीं होता क्योंकि यहाँ पर फ्लाइंग कार्पेट्स ज्यादा फेमस है, बट इसके बावजूद यहाँ पर कई लोग क्विडिच के फैंस है। इंडिया का खुद का नेशनल क्विडिच टीम भी है और इंडिया ने 422nd क्विडिच वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट भी किया था, वही वर्ल्ड कप जो हैरी वीजलीज के साथ देखने गया था। मूवी में जब हैरी वीजलीज के साथ क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जाता है तब टेंट तक पहुंचने से पहले ही इस सीन में हमें ये इंडियन फ्लैग भी देखने को मिला था। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट तो किया था बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल्स में नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट रेफरेंस है कुछ जादुई जीवों के बारे में। आपने हैरी पॉटर की मूवीज में इस बर्ड को तो देखा ही होगा। ये एक फीनिक्स था जिसकी मौत जलकर होती है और मरने के बाद ये अपने राख में से दोबारा जन्म लेता है।
ये फीनिक्स हमेशा डंबलडोर के साथ ही रहता था और इसने कई बार हैरी और डंबलडोर की हेल्प भी की थी। बट क्या आप जानते हो कि ये बर्ड इंडिया में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा ओकेमी, जो कि एक मैजिकल बीस्ट है जिसे हमने फैंटास्टिक बीस्ट की मूवी में देखा था, वो भी इंडिया में ही पाए जाते हैं। ओकेमी एक ऐसा जीव है जिनकी बॉडी सांप जैसी होती है, पर इसके पास बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं जिनकी लंबाई 15 फीट तक होती है। अगला रेफरेंस है एक इंडियन विजिटिंग विलेज का जो कि इंडिया में है। इस विलेज का नाम है कलेल, जो कि कर्नाटका में है। ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर सिर्फ 7,000 लोग ही रहते हैं और ये इंडिया का सबसे फेमस विजिटिंग विलेज है। इस विलेज का जिक्र ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स पार्ट में हुआ था, जहाँ इस विलेज को विजिटिंग न्यूज़पेपर डेली प्रॉफिट में इंक्लूड किया गया था। इस न्यूज़पेपर के इंटरनेशनल सेक्शन में कलेल विलेज का वेदर फोरकास्ट मेंशन किया गया था। एक और इंडियन रेफरेंस है जो कि हमें डेथली हैलोस पार्ट 1 मूवी में देखने को मिला। बिल की शादी में जब हरमाइनी आती है तब उस सीन में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसने साड़ी पहना था। अब साड़ी तो सिर्फ इंडिया में ही पहनी जाती है, इसलिए शायद ये औरत इंडियन ही होगी। वेल, आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस, ये थे हैरी पॉटर यूनिवर्स में मौजूद कुछ इंडियन रेफरेंसेस। अगर आपने मूवीज और बुक्स में कुछ और इंडियन रेफरेंसेस को नोटिस किया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।